आतंक के मसले पर पाकिस्तान को उसी के घर में घेरेगा भारत। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की किरकिरी करेगा भारत। अपने ही मुल्क में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा पाकिस्तान। विश्व के सामने एक बार फिर पाक का असली चेहरा आएगा सामने। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज से शंघाई सहयोग संगठन के तहत 3 दिवसीय आतंकवाद निरोधक सम्मेलन शुरू हो रहा है और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होगा। इस बैठक में हिस्सा ले रहे एससीओ के सदस्य देशों के बीच आतंकवाद के खतरे और आतंकवाद निरोधक प्रयासों के तौर तरीकों और आतंकवाद को खत्म करने पर विचार होगा। लेकिन ये कौन नहीं जानता कि जिस मुल्क में आतंकवाद के विरुद्ध चर्चा हो रही है उसकी खुद की आस्तीनों में हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकी पलते हैं। ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान आतंकियों की सबसे पसंदीदा पनागाह है। यहीं आतंकी न सिर्फ अपनी ट्रेनिंग लेते हैं बल्कि यहीं से पूरे विश्व को निशाना बनाने का मंसूबा पालते हैं। ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान की आतंकी पौधी है जो भारत में आतंक के जख्म देती रही है। जाहिर सी बात है, जब इस प्रतिनिधिमंडल में भारत होगा तो पाकिस्तान की कारगुजारियों की चर्चाएं जरूर होंगी। भारत की ओर से एससीओ के सदस्य देशों के सामने बताने के लिए होगा कि कैसे पाकिस्तान के पालतू आतंकी कश्मीर में घुसपैठ को अंजाम देते हैं और कैसे पाकिस्तान से आए आतंकियों को हमारी सेना कब्र में दफन कर देती है। आपको बता दें कि एससीओ के 8 सदस्य राष्ट्रों में चीन, कजाकिस्तान, भारत, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान हैं। इस बैठक में भारत की मौजूदगी विशेष महत्व रखती है क्योंकि उसने 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले दक्षेस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तब इसके पीछे की वजह पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवाद को समर्थन देना बताया गया था। अब देखना यह होगा कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत क्या करता है। आज तक ब्यूरो।